ये स्कूटर कितना चार्ज है? 42% और कब से लगा हुआ है? वहाँ देखो लाइट दिखा रही है, उसमें चार्जर में ये चार्जर रखा हुआ है, इन्वर्टर में लाइट दिखा रही है, इन्वर्टर में भी चार्ज लगा हुआ है। यहाँ देखो ये 88% वो वोल्ट आ रही है लाइट, इसको दबाएंगे तो ये 190 प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस ओला के स्कूटर को लेने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? कि अगर लाइट 200 से प्लस नहीं आती, 200 वोल्टेज से प्लस नहीं आती, तो आपका स्कूटर चार्ज नहीं होगा, चाहे तो कुछ भी हो जाए। अब ये पूरी रात से लगा हुआ है चार्ज, ठीक है, रात में था ये 22% और पूरी रात में कम ज़्यादा हुई है तो ये हुआ है 42% चार्ज। अब 42% में सारे दिन चले नहीं, टाइम क्या हो रहा है, मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और सिर्फ मेरे को जल्दी जाना पड़ रहा है किसी स्कूटर को गुड़गांव में जाके चार्जिंग पर लगाने के लिए। तो अगर आप भी सोच रहे हैं ओला का ये स्कूटर लेने, तो पहले ये समस्या के बारे में सोच लेना। अगर आप भी विलेज साइड में रहते हैं तो ये समस्या आपको आएगी पावर की, क्योंकि विलेज साइड में पावर कम ज़्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से जो है ये स्कूटर चार्ज नहीं होता। और इस स्कूटर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? डीप डिस्चार्ज की। अगर इसकी बैटरी बिल्कुल हो गई जीरो तो ये स्कूटर हो जाएगा ऑफ, और वो वारंटी में भी इंक्लूड नहीं होता है। उसका जो पैसा है आपको डीप डिस्चार्ज के बाद, जो बैटरी है 3 किलोवाट की, तकरीबन 70,000 रुपये आपको जेब से देना पड़ेगा। और 4 किलोवाट बैटरी है तो उसके लिए 85 से 90 हज़ार रुपये आपको अपनी खुद की जेब से भरना पड़ेगा। तो ये समस्या है इस स्कूटर के बारे में। तो खरीदने से पहले ये डीप डिस्चार्ज की समस्या के बारे में अच्छे से समझ लें और तभी अपना डिसीजन लें। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मेरे पास है ओला का स्कूटर S1 Air, और इस स्कूटर की वजह से जो है मेरे को कई बार जो है बे प्लानिंग के जो है घर से निकलना पड़ता है जल्दी। अब जैसे देखो रात से मेरे घर में था पावर कट, लाइट का भी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो कम लाइट में ये जो है 200 वोल्ट से कम लाइट रहेगी तो ये स्कूटर चार्ज नहीं होता है। वैसे तो लाइट तकरीबन पूरी रात ही रही थी, लेकिन 180-190 के आसपास, और मैंने मेन लाइन स्टेबलाइजर भी लगवाया हुआ है, उसके बावजूद भी ये चार्ज नहीं होता है। अगर पावर 190-95 हो, यानी अगर 199 है, तो भी ये चार्ज नहीं होगा। और अभी मैं निकल चुका हूँ गुड़गांव जाने के लिए। रीज़न क्या है कि इसे जाके मैं गुड़गांव में जो ओला के लगे हुए चार्जर, वहाँ पे जाके करूँगा चार्ज। टाइम हो चुका है 8:24 और मेरे को पहुँचने में लग जाएगी चार्जर तक तकरीबन आधा पौना घंटा। फटाफट से चलते हैं ओला के शोरूम। जिंदगी में भाई लोग किसी पे भी भरोसा कर लेना, एक तो इन सोसाइटी वालों पे भरोसा मत करना, और उनमें भी खासकर जो है ना लेडीज और औरतों पे भरोसा मत करना। फोन करने के बाद भी है ना राइड कैंसिल कर देते हैं। भाई भाई मैंने उठाया, बोली भैया गेट पे आ जाओ गुड़गांव ग्रीन के, रॉन्ग साइड आ जाना, खुद से ही बोल रहे हैं। रॉन्ग साइड पहुंचा हूँ बिल्कुल गुड़गांव ग्रीन के कट पे, पहुंचने से पहले ही राइड कर दी कैंसिल। अब जो है मैं तो 1 किलोमीटर थामक आ गया, 1 किलोमीटर थामक आया, तो इससे भाई मेरा टाइम तो खराब हुआ ना। इस कंडीशन में कुछ मिलता थोड़ी है। और फिर ये लोग है ना ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर राइडर भी उसका बदला लेते हैं, फिर जानबूझ के जो है अगले दिन अगर सेम कस्टमर की राइड आएगी फिर उसको कस्टमर राइडर भी समझ जाते हैं ना भाई ये तो इसकी है, फिर जाते ही नहीं राइडर। तो ये प्रॉब्लम होती है कस्टमर की ही वजह से। यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ राजनगर में, यहाँ पे देखो 6 चार्जर लगे हुए हैं, 1 2 उसके बाद में 3 और 1 चार्ज, जिस पर मेरा स्कूटर हो रहा है चार्ज, और 2 हैं इस साइड में, ये यहाँ पर ही है चार्जर। रीज़न क्या है कि पहले इनके चार्जर की सर्विस अच्छी नहीं है, फिर दूसरा क्या है कि इनके चार्जर जो है ना बहुत डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से जितने भी राइडर्स को स्कूटी मिली थी उन्होंने स्कूटी स्कूटी करा दी है जमा, और क्योंकि इसीलिए यहाँ फ्री है, नहीं तो इस टाइम पे ना कोई भी चार्जर फ्री नहीं मिलता है। मेरा स्कूटर भी हो गया 70% चार्ज और अभी 100% चार्ज होने में दिखा रहा है, 1 घंटा और, तो 1 घंटा क्यों, 1.5 घंटा, 10 बजे हैं, 11:30 का टाइम दिखा रहा है फुल चार्ज होने में। तो अभी देखते हैं 10 से 20 मिनट बाद है ना राइड ऑन कर लेंगे, और कोई राइड मिल गई ऑफिस साइड की तो चलेंगे फटाफट से अपने ऑफिस। अभी जो है स्कूटर मेरा हो चुका है 83% और 11:28 पे होगा ये फुल चार्ज, लेकिन 11 बजे मुझे पहुंचना रहता है मेरे ऑफिस, तो उतना वेट मैं नहीं कर सकता। मेरे पीछे एक और लगा हुआ ओला का स्कूटर चार्ज होने में, तो मैं यहाँ से 85% होते के साथ ही निकल जाऊँगा, 2 मिनट में हो जाएगा 85% और यहाँ से निकलता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऑफिस पहुँचने में भी लगेगा तकरीबन
20 से 25 मिनट, और कितने टाइम में 11 बज जाए क्योंकि 10 बज के हो रही है 26 मिनट, तो फटाफट से चलते हैं अपने ऑफिस। फाइनली अपने मेडिसिन के 3 रूट कंप्लीट करके फिर से आ गया हूँ ओला के चार्जिंग पॉइंट पे। यहाँ पे मैं स्कूटर में बैटरी बची थी 65%, तो मैंने सोचा कि इसको 100% कर लिया जाए और फिर जब सेकंड रूट के लिए जाऊँगा तब चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 से 1.5 घंटे में ये हो जाएगा 100%, तो इसको चार्ज करके तब अपने जो बाकी के बचे हुए 4 पैकेट उनको डिलीवर करने चलेंगे और उसके बाद सीधे निकल जाएंगे ऑफिस। अभी मैं हूँ बसई वाले ओवर ब्रिज के ऊपर, और इधर से जो रास्ता आ रहा है ये हीरो होंडा चौक से आ रहा है, इधर जो जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा है। तो अभी मैं उतरता हूँ यहाँ से सीधा नीचे, ये देखो फ्लाईओवर, फोन को रख लेता हूँ, पता लगा स्कूटर यहीं से पार हो गया। तो आज का जो है मैं मेरा मॉर्निंग का जो मेडिसिन रूट है वो कर दिया हूँ कंप्लीट, और अभी मैं हूँ 37C में और होम्स में जो कि फेज 2 है, फेज 1 पीछे की तरफ है। मेरे सारा का सारा काम हो गया खत्म, 2 बज चुके हैं। अब मैं चल रहा हूँ सीधा लंच करने के लिए, लंच करके निकलेंगे सीधा ऑफिस। तो फाइनली आज जो है इवनिंग का रूट मैं कर चुका हूँ कंप्लीट सेक्टर 9 में, और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ घर की तरफ। और सेक्टरों में कभी कभी मेरे को ऐसे लगता है कि ऐसे ही लोग होते हैं या सेक्टरों में रह के ऐसे हो जाते हैं। सीओडी ऑर्डर था और लेके चले गए अंदर, वो आने वाला पेमेंट है, तो कह रहे ठीक है आते हैं 10 मिनट खड़ा रहा। और यहाँ इतने ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, आके ही कोई राजी नहीं है। 2-3 बार ऐप को देख ले, कहीं ऑनलाइन पेमेंट तो नहीं कराओ, नहीं किया। घंटी बजाने वाला था, फिर से रिफ्रेश करके देखा तो ये ऑनलाइन पेमेंट कर रखा है। अरे यार, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो बता तो दो कम से कम कि भाई कर क्या रहे हो। यार अजीब लोग रहते हैं सेक्टरों में, गुड़गांव में कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है। फाइनली पहुंच चुका हूं सेक्टर 102, और ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा था। लेकिन क्या है, पता नहीं क्या हो रहा है, जब से ये मैं स्कूटर लेके आया हूं ना, ओला का ऐप दिक्कत कर रहा है, फोन दिक्कत कर रहा है, नेट दिक्कत कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, राइड नहीं आ रही है ठीक से। सुबह निकला था राइड चलाने के लिए, मात्र 2 राइड हुई है और ड्यूटी हुई है। 2 राइड समझ रहे हो 1 घंटे में हो जाती है, ड्यूटी तो मैं डेली करता ही, लेकिन राइड भी हो जाती है 8-10, सिर्फ 2 राइड हुई है। और देखो अभी भी ऑन करके रखा हुआ है ताकि जो है अगर राइड आ जाए किधर की तो मैं अभी भी चला जाऊं। और जबकि देखोगे टाइम कितना हुआ है, टाइम हुआ है तो नहीं दिख रहा होगा 9:29, और 8 मिनट निकालती है स्कूटर में, क्योंकि रात नहीं थी तो मैंने आज जो है ज़्यादा चार्ज कर ली, क्योंकि घर का कोई भरोसा नहीं है लाइट ठीक आए या नहीं आए। तो मैं फाइनली क्रॉस कर गया ये अंडरपास, देखो डिलीवरी वाले लोग अपना टाइम काटते हुए, और मैं यहाँ ब्रेकर पार करके फिर से आ गया पानी वाले रास्ते पे। तो ये है यहाँ भरा हुआ पानी, अब सूख गया है। आज रॉन्ग साइड नहीं चलेंगे, रॉन्ग साइड जो है ना बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है। कल जब गया था तो कपड़ों पे ऐसे लसड़ गया मिट्टी, जैसे मैं मिट्टी में ही लौट के आया हूँ। देखो रोड का काम चल रहा है जोर शोर से, आने वाले टाइम में ये काम होगा जोर से और रोड भी हो जाएगा ये कंप्लीट। फाइनली आज लाइट है, स्कूटर को लगा दिया चार्जिंग पे, 61% है, और ये दिखा रहा है कि 12:32 पे ये चार्ज हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। तो 10 बज चुके हैं, घर पहुंच चुका हूं, और जैसा कि आज ज़्यादा रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, लेकिन हालत देखो गुड़गांव में डस्ट इतनी ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से इतना हालत हो जाता है। अभी कपड़े वपड़े चेंज करके चलता हूँ फटाफट से नहाने, उसके बाद भूख लगी अभी बहुत ज़ोर से, मन करा भी खा ली लेकिन नहीं, पहले नहा के कभी। तो फाइनली मैं खाना खा चुका हूं, और खाना खाने के बाद ना पहले अभी लाइव कर रहा हूं, उसके बाद वीडियो को करूंगा बाद में एडिटिंग। और पीछे देखो ये दोनों चीते जो हैं, चीते और शेर खा रहे हैं आइसक्रीम, मैं आज ले आया था, कई दिन से चिल्ला रहे थे पै 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 पै, तो फटाफट से करता हूं लाइव। फाइनली रात के 1 बज चुके हैं, और 2 घंटे 12 मिनट का तकरीबन लाइव करने के बाद मैंने लाइव को कर दिया है कम्प्लीट, और अब जो है
मैं आज के ब्लॉग वीडियो को यहीं पे करता हूँ खत्म, क्योंकि अभी मुझे वीडियो को एडिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके जो है अपलोड भी करना है। उसके बाद कीवर्ड हैशटैग टाइटल थंबनेल ये सब बनाने में मेरे को 2 घंटे और लग जाते हैं। तो खाली मैं जो है अभी वीडियो को सिर्फ एडिटिंग करूंगा और अपलोड करूंगा मॉर्निंग में। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।